दर्द है क्या कीजिए, माने न मनाऊं मैं कैसे ये बताऊं मैं, टूटी हुई किस्मत है क्या कीजिए। प्रेम है फूलों का सर पे सहरा सजे, खुशियों का बैंड ये अपने लिए भी बजे। ना मिले लाखों जतन कर देखे फिरता रहा दिल लेके, लेकिन जुड़े ना सिलसिले। छोड़िए और ना टेंशन लीजिए, कर लिया सब तो फिर अब दुआ कीजिए। चुटकी चुटकी, अरे चुटकी मेरे फोन का चार्जर खराब हो गया, जरा 200 रुपए दे दो। चुटकी बहादुर भाई, भाईजान आपने क्यों बंद किया टीवी? अरे आप दोनों मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे। आवाज आ रही थी, हम जान पूछ के तुम्हें इग्नोर कर रहे थे। बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो यह है कि तुम दिन रात हमसे फकीरों की तरह पैसे मांगते रहते हो। अरे बहादुर भाई, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा तो फिर किससे पैसे मांगूंगा? भाईजान मेरे ख्याल से ना अब आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। बहादुर कब तक आपका खर्चा उठाएंगे? थैंक यू शाजिया, तुम्हें मेरा ख्याल है, तुम्हें तो पता है ना महंगाई का जमाना है और बटवा मेरा पुराना है। यार आप लोगों को क्या लगता है मैं कोई बेहस बेगैरत बेशरम हूँ? हाँ बिल्कुल हो, और भी बहुत कुछ हो जो मैं कह नहीं सकता, टीवी पे सेंसर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है बहादुर भाई, आपकी बहादुरी की कसम, मुझे भी आपसे पैसे मांगते हुए बहुत ज्यादा शर्म आती है। अच्छा वाकई शर्म आती है आपको? हाँ आती है, फिर मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। और शाजिया ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? बेशरम। चुटकी मेरे फोन का चार्जर खराब हो गया, प्लीज 200 रुपए दे दो यार। अच्छा बहादुर दे दे, वन लास्ट टाइम। खबरदार मेरे पास हराम का पैसा नहीं है। नहीं नहीं, जो हराम वाले उसमें से तो चाहिए भी नहीं, हलाल वाले में से 200 रुपए दे दे। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, दफा हो यहां से। सोच लें फिर। क्या सोचूं? नहीं वो मैंने ऐसी बोल दिया, कुछ जहन में आया नहीं था, तो फिर मैं ना समझू? दफा हो जाओ यहां से। ओके। और टीवी ऑन करते हुए जाओ, आप खुद कर लो। शाजिया टीवी ऑन कर दो। सुना नहीं आपने? क्या? खुद कर लो। हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, मंकी, गुड्डू नहीं, मंकी मतलब बंदर, और डोंकी मतलब गधा। अच्छा डोंकी गधा होता। आंटी, आंटी कोई जरूरी काम कर रही हैं? हाँ मैं डिक्शनरी में देख रही थी कि जानवरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अरे जानवरों को आप कुछ भी बोलें, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी डिटाई देखो, गधों को कुछ भी कह लो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी आप मुझे कुछ भी बोलें, आप मेरी अम्मी की जगह हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मेरी बला से तुम्हें 100 दफा बुरा लगे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? आंटी आप बहुत अच्छी हैं। हाँ तो ये कौन सी नई बात है, कोई नई बात बताओ। अब आंटी मुझे 200 रुपए चाहिए। अच्छा तो फिर? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 200 रुपए चाहिए। फिर मिल गए? अरे मिल गए होते तो मैं आपको थोड़ी बताता कि मुझे 200 रुपए चाहिए। मुझसे चाहिए 200 रुपए? जी आपसे चाहिए। अरे मैं भी कहूँ कि इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो मुझे, आंटी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, चलो जाओ यहाँ से। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे 200 रुपए चाहिए, मेरे फोन का चार्जर खराब हो गया है। अच्छा दफा हो, मैं क्यों दूं तुम्हें 200 रुपए, भागो यहाँ से वरना। आंटी ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरे फोन का चार्जर खराब हो गया, वो लेना है। कैसे तो निकम्मे इंसान हो, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, चलो शकल घूम करो अपनी, चलो।
तो निखट्टू है, सिर्फ पैसे मांगता रहता है, कोई काम का न काज का। हाँ तो कहाँ गया मंकी? ये हुआ मंकी हॉर्स टोंकी। अबे क्या जिंदगी हो गई यार, 200 रुपए के लिए इतनी बातें सुननी पड़ रही है। हद हो गई, कभी कभी सोचता हूँ थोड़ी सी मेहनत कर लो ताकि मोहताजी खत्म हो जाए, लेकिन फिर सोचता हूँ इतनी ऐश आराम की जिंदगी है, अबे कौन मेहनत करे, छोड़ो। लेकिन 200 रुपए कहाँ से लाऊंगा, चार्जर तो चाहिए, फोन के बगैर दिल नहीं लगता मेरा। कहीं तो बैग में कुछ तो होगा यार, कहीं तो पैसे रखे होंगे मैंने। प्राइस बॉन्ड, अभी तो बहुत अरसे पहले लिया था मैंने। एक काम करता हूँ, इसको कैश करवा लेता हूँ। अभी तो मैंने चेक भी नहीं किया, कितने जमाने पहले लिया था। चेक ही कर लेते हैं, अब तो इनकी वेबसाइट भी आ गई है। अरे क्या पता हमारे किस्मत में भी कुछ आ जाए। हाँ क्या नंबर है? 703 703। अबे 703! अबे गुड्डू, अबे गुड्डू तेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया। अबे अबे मेरे तो बीपी गिर रहा है। अबे घर वालों, आंटी, ओ मेहमान कदरदान। अरे बहादुर आवाज तो कम करो, टीवी की देख नहीं रहे कि तुम्हारी माँ पढ़ रही है। मेहरान कदरदान मनुष्यों का खानदान, खवातीन आजाद एक जरूरी ऐलान समाज फरमाइए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं भाईजान। यार क्या मसला है तुम्हारा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अरे एक गुड न्यूज देनी थी। क्या? कहीं आपकी नौकरी तो नहीं लग गई? शाजिया गुड न्यूज, ये तो इम्पॉसिबल न्यूज है। नहीं वो बताना ये था कि मेरा एक प्राइस बॉन्ड निकल आया है। क्या प्राइस बॉन्ड? जी जी, 1 करोड़ रुपए का। असल में कुछ सालों पहले मैंने प्राइस बॉन्ड खरीद के ना अपने बैग में रख दिया था और फिर भूल गया था, आज सफाई करते करते ही मिला। मैंने कॉल की तो पता चला प्राइस बॉन्ड मेरा ही लगा है। गुड्डू मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से अपना फोन निकालो। फोन निकालो? हाँ उनको कॉल करो ना, हमारा इनाम कब तक आएगा? हमारा इनाम? अरे जो घर में आता है वो तो सब में पड़ता है ना। अरे आप सब छोड़े ना, आप फोन मिलाए जल्दी। फोन मिलाता हूँ, फोन मिलाता हूँ। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं गुड्डू बात कर रहा हूँ, मेरा इनाम निकला है। ये इनाम निकला है? अरे क्योंकि मेरा नाम गुड्डू है ना, फोन नंबर, अच्छा प्राइस बॉन्ड नंबर मैं बता रहा हूँ, 703, आगे थोड़ा सा मुश्किल है, 703। ओके बस 5 मिनट में कॉल करके बताएगा कि इनाम कब लेने जाना है। अरे हट तू, मुझे तो पहले ही मालूम था कि मेरा गुड्डू इतना अच्छा है कि गुड्डू किसी न किसी दिन बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। अरे भाई किसका है? वैसे मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच तो ये कि जब से गुड्डू इस घर में आया ना, रौनक बढ़ गई है यहाँ पे। वैसे मैंने सोचा था कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना तो गरीब लोगों को बिल्कुल मुंह नहीं लगाऊंगा, लेकिन अब आप लोग इतना मक्खन लगा रहे हैं तो इट्स ओके। मक्खन तुम्हें थोड़ी लगाएंगे मेरे भाई, मक्खन तो डबल रोटी पे लगाएंगे ना, तुम तो मेरे भाई हो। क्या बात है, अरे ऑपरेटर का फोन आ गया। हेलो जी, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा अरे मेरी बात तो सुने। हेलो क्या हुआ? वो कह रहे मेरे 1 करोड़ का इनाम नहीं निकला, लेकिन मुझे पहले ही पता था इस निकम्मे नाकारा इंसान से कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते। अरे ये वो घोड़ा है जो रेस में अकेला भी दौड़ेगा ना तो भी लास्ट आएगा लास्ट। चल निकल मेरे घर से निकल। लेकिन मेरी बात तो सुन ले, लेकिन उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ का इनाम निकला है। 1.5 करोड़ का? अरे मेरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। छोटा था ना तब से मजाक करता, बहुत मजाकी नेचर का। वैसे सच बताओ, जब से तुम घर में आए हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 2 बेटे, 2-2 मेरे 9 रतन, 2-2 रतन। मेरा ना चाय पीने का दिल कर रहा है और मेरा कमरा काफी गंदा है। मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। कमरे की टेंशन ना लेना। हाँ मैं देख लूंगा, मैं सब सब। तुम बैठो, मुझे खुशी कि आपने अपनी क्यों समझ ली। चलो चल के बैठो, थक जाओगे। जी जी थक जाऊंगा, आइए आइए। अच्छा तो कब तक आ जाएंगे 2 करोड़? अभी उन्होंने बताना है, थोड़ा सा इजी हो जाए। अबे यार ये 1.5 करोड़ की बात तो कर दी है, इसको निभाएगा कौन? अल्लाह मालिक है, देखते हैं करना पड़ेगा कुछ। गुड्डू सुनाओ सुनाओ। अब हाँ सुमेर, अबे यार ये 40,000 रुपए तो दे दे। अरे परेशान नहीं हो, अगले हफ्ते तुझे 50 लौटा दूंगा। अब तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त ही नहीं तो मैं क्या करूं। चल ठीक है, तू बताएगा तो मैं लेने आ जाऊंगा। ओके भाई। गुड्डू तुम्हें पैसों की जरूरत थी और तुमने मुझे नहीं बताया। अरे बहादुर भाई आपने फोन के चार्जर के लिए 200 रुपए नहीं दिए, 40,000 कहां से देंगे आप? अरे गुड्डू माना महंगाई का जमाना है और बटवा मेरा पुराना है, लेकिन तुम मांग के तो देखो। अच्छा लाए दे 40,000। 40,000?
इसमें तो नहीं होंगे, अंदर मेरे पास पड़े, तुम अंदर चलो मैं तुम्हें देता हूँ। अच्छा हाँ, और अपने फोन दोस्त को फोन करो और मना करो उसको कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा बहनोई जिंदा है तुम्हें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा आइए चलो, माशाल्लाह सहेलियां लगती हैं हम लोग। अरे आ रही हूँ भाई, क्या जल्दी है जी। आ, आ, आपकी तारीफ कीजिए कीजिए। मैं क्यों करूं? कोई और करता नहीं तो आपके काम ऐसे नहीं होंगे ना। कैसे कि कोई तारीफ करे? ये तो सच है। किससे मिलना है? वन मिनट प्लीज। इस औरत को जानती? हाँ। नाम क्या? मेरा नाम शाजिया है। तेरा नाम नहीं, इसका नाम पूछ रहा हूँ। अब इनका नाम है रोशन आरा और ये मेरी सास है। फेसबुक पे तो ये क्यूट प्रिंसेस के नाम से चल रही है। हाँ तो ठीक है, फेसबुक पे कोई नाम रखने के पैसे थोड़ी मिलते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, ना ही ये क्यूट है और ना ही प्रिंसेस। हाँ, बात तो तुम ठीक करी। इनको कैसे जानते हैं आप? कोई काम है इनसे? अरे फेसबुक पे पोस्ट लगाई है, 1.5 करोड़ रुपए का नाम निकला इनका। अरे इनका नहीं निकला है, मेरे भाई का निकला है। ये तो ऐसी शो ऑफ कर रही है। अच्छा इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह पहुंचा हूँ। क्या मतलब? मतलब समझाता हूँ, मैं अंदर लेके चलो। अरे क्यों अंदर लेके चलो, समझाता हूँ, चलो चलो बाहर निकलो। पिस्तौल, अरे पिस्तौल! English! Hit! Okay! Oh God! Okay! Alright! Calm down! Pistol, calm down! ए बहादुर मेरी बात तो सुन, गुड्डू को हम कितना बेकार समझते थे लेकिन काम का निकला बंदा। मैंने तो सोच लिया है कि 1.5 करोड़ का बॉन्ड जब आएगा, पैसे आएंगे, तो सबसे पहले इस घर को बेच के बहुत बड़ा सा घर ले लेंगे। लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी लेंगे। हाँ। अम्मी डाकू! देख बात, देख अपनी बीवी को, मुझे फिर से डाकू कह रही है। अरे मैं आपको डाकू नहीं कह रही हूँ, मैं डाकू को डाकू कह रही हूँ। पीछे तो देखे इनको। किनको? पीछे तो देखो है? ये कौन अजूबा है? मुझे तो पागल लग रहा है, देखो हुलिया कैसा बनाया हुआ है, गर्मी में इतना मोटा कोट। बहादुर ये डाकू है। नॉट डाकू, इंग्लिश। ओके माय नेम इज शाकर। और ये डाकू डाकू क्या होता है? आई एम सॉरी डाकू भाई। ये डाकू भाई? आई अपोलोजाइज। यू नो मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। अरे हटो, मैं देखूं कौन सा डाकू है, ऐसा लग रहा है। ओ सॉरी 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 भाईजान, सॉरी भाईजान। आवाज नीचे। अरे अरे डाकू भाई, आप हमारे घर क्या लेने आए? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, फ्रिज में खाना तक नहीं है हमारे पास। अच्छा, और वो प्राइस बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? वही जिसके निकलने की खुशी में फेसबुक पे तस्वीर लगाई थी। हैं? वो तस्वीर आपने कहाँ से देख ली? अरे मैं तुम्हारे साथ ऐड हूँ फेसबुक पे। लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। कैसे देख सकती हो? वहाँ भाई मैं शाकर के नाम से नहीं, शगुफ्ता के नाम से। देखा मी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे क्या पता था कितनी बड़ी दाढ़ी है, इसने तो औरत की तस्वीर लगाई हुई थी। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। आई हेट इट्स अ पोल्यूशन नॉइजिंग थिंग, यू नो। सुने शाकर भाई, आप जब से आए ना, आप तीसरी दफा ये बात कर रहे हैं। सर यू सम टाइम आई डू। ओके चलो अब बॉन्ड निकालो। वो तो निकल चुका 1.5 करोड़ का। अरे मेरा मतलब है वो बॉन्ड कहाँ है? वो मेरे भाई के पास है। कहाँ है भाई तुम्हारा? बहू का भाई। बहू का भाई? किसकी बहू का भाई? वो मेरी बहू, ये चुटकी खड़ी, इसका भाई। कौन है तुम्हारी बहू? मैं हूँ इनकी बहू। रिश्तेदारी नहीं पूछ रहा मैं, मुझे अभी के अभी उसके पास लेके जाओ, मुझे वो बॉन्ड चाहिए। मैं वरना हाँ अभी लेके चलते हैं आपको गुड्डू के पास। गुड्डू के पास है बॉन्ड। हाँ। लाइन में खड़े हो जाओ। गुड्डू
बाबू तुमसे कोई मिलने आया है। अरे यार बहादुर भाई आपको बड़ी जल्दी थी, अभी मेरे पास पैसे है नहीं, आपने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। अरे पगले ये हमें सिक्योरिटी देने नहीं, जो हमारी सिक्योरिटी है वो उसको भी खतरे में डालने आया है। क्यों, ये कौन है? मैं शाकिर हूँ। अरे हाउ यू डूइंग? आर ज्वेलरी की शॉप, 15 banks और 50 general store लूट चुका हूँ। लाना तो ऐसे फखर से बता रहा है जैसे कोई केटू की चोटी सर करके आया हूँ। माशाल्लाह शाकिर भाई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ना ये बैंक है ना ही कोई ज्वेलरी शॉप। ये अजीम खातून, दिस वुमन ग्रेट लेडी, अजीम खातून, इसने अपनी पोस्ट लगाई फेसबुक पे, इसका 1.5 crore का प्राइस बॉन्ड निकला है। देखा आपने, मना किया था आपको मैंने करने से। अरे शाकिर भाई आपको गलतफहमी हुई है, मैंने तो सिर्फ घर वालों से मजाक किया था, घर वाले ऐसे ही सीरियस हो गए। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिस्ट देखिए, ये उन्हीं की लिस्ट है। देखिए जो प्राइस निकला है ना वो 704 का निकला है, मेरा नंबर 703 था, सिर्फ एक नंबर से रह गया मैं। हाँ हाँ भाई, कोई बॉन्ड नहीं निकला। अब बोल तो तू ठीक रहा है। शुक्रिया, लेकिन अब हम आए खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, आप दुआएं ले जाएं हमसे। वेट वर्क सर, सोना का क्यों भाई, नाइट स्टे कर रहा था क्या? मैं पूछ रहा हूँ सोना कहाँ है, सोना? अरे भाई इतना बड़ा घर है, जहाँ दिल चाहे सो जाओ, और तुम्हारे हाथ में गन है, तुम्हें मना कौन कर सकता है? एक बात है, तुम बहू के कमरे में चले जाओ, वहाँ एसी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ कंटाप। अबे poor people, illiterate people, I'm asking about gold. Where is gold? कहाँ है gold? अच्छा अच्छा समझ गई मैं, तुम उस gold की बात करो, और हम तो स्लीपिंग वाले सोने को समझ रहे थे। मेरा सोना तो बहुत थोड़ा है मेरे पास, वो अलमारी में, लेकिन बहू के पास बहुत सोना है और उसकी अलमारी के सेफ में पड़ा हुआ है। यो वेरी गुड, यू तुम दोनों, यू एंड यू जाओ और घर में जितना भी सोना और कैश है लेकर आओ मेरे पास, और होशियारी नहीं करना वरना खोपड़िया उड़ा देंगे हम। हाँ 5 पहले कर चुके हैं, छठा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम बेटे जी जी अच्छी सी कड़क सी दूधपत्ती बना के लाओ, जैसे ढाबे पर नहीं बनती, मलाई डाल के। अभी लेकर आई। शाबाश बेटा। और आप मेरे भाई, प्रेस माय शोल्डर्स, हैं? कंधे दबा जोएल, कंधे दबा। तुझे नहीं पता आप जब वारदात करने जाते हैं तो मसल स्ट्रेस हो जाते हैं, जिससे आप स्टिफ हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग टू यू? ओह स्ट्रेस स्ट्रेस। लेकिन आपको किस बात का स्ट्रेस? तूने कभी वारदात की है? नहीं नहीं। तो तुझे क्या मतलब, क्या मैं क्या कर रहे हो? वैसे गुड्डू सच कहूँ तो ये डाकू इतना बुरा नहीं है। हाँ वरना मैंने तो सुना है डाकू बहुत खतरनाक होते, जाहिल बदतमीज होते, एकदम से गोली चला देते, और ये तो देखो इंग्लिश में बोल रहा था। अरे वो सब तो ठीक है, आप जा कहाँ रही हैं? हाँ सुना नहीं तुमने, कह रहा था जेवर निकाल के दे, तो जेवर निकालने जा रही हूँ। अरे इतनी आसानी से हम सारा जेवर उसके हाथ में दे दें? भाई नहीं देंगे तो वो तो गोली मार देगा, भेजा उड़ा देगा हमारा, मैं मरना नहीं चाहती। देखा नहीं उसके हाथ में कितनी बड़ी गन है? अरे वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो वो यहाँ नहीं है ना, हम चुपचाप पुलिस को बुला सकते हैं। कह क्या रहे हो, वैसे कह तो ठीक रहे हो जी, तो क्या करें? एक काम करें, जेवर को छोड़ें, आप मेरे साथ आए। क्या हुआ? अरे नंबर ही नहीं लग रहा। अरे क्यों नहीं लग रहा? मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे शाकिर भाई गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। डाकू भाई सच कहूँ तो ये सारा आइडिया खबीज का था, इसने मुझे कहा था कि फोन करके पुलिस को बुला ले और इन्हें पकड़ा दे। आंटी क्या कर रही हैं आप? सच तो कह रही हूँ। I don't like this noise and pollution. वो शराबा पसंद नहीं है मुझे, कितनी मर्जी कहूँ तुम लोगों से। मेरी बात कान खोल के सुनो, अब अगर तुम लोगों ने जरा भी डेढ़ उचारी दिखाई ना तो सेकंड भी नहीं लगाऊंगा तुम लोगों को गोली मारने में। I keep my words. शाकिर भाई आपकी कुर्सी मैंने नीचे लगा दी, आए मैं आपके कंधे दबा दूं। नो, अब ये काम गुड्डू करेगा। आप टेक मदर, ब्रिंग जेवर एंड कैश फ्रॉम, और अगर आप बी क्लेवर यू विल लूज योर लाइफ। ओके ये ठीक है। शाकिर भाई मुझे तो सिर्फ गला दबाना आता है। तुझे क्या क्या आता है मैं सब जानता हूँ, एक नंबर का झूठा मक्कार फरेबी है, ना घर का है ना घाट का है, दुश्मन तू अनाज का है, नकम्मा है, अपनी बहन के घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां खाता है तू, सारी औकात पता है मुझे तेरी। अरे शाकिर भाई ये सब आपको कैसे पता है? आई वॉच एवरीथिंग ऑन टीवी एंड समटाइम ऑन यूट्यूब। कम ऑन। अरे चाओ ना शाकिर भाई, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं अरे चाओ कम ऑन, आप आगे चले ना। शाकिर भाई मैं आवाज दो तो बचा लेना। शाकिर भाई तेरा लाख लाख शुक्र है,
मैं जरा से बच गई मैं, वरना ये गुड्डू तो मुझे भरी जनवानी में मरवा देता। अम्मी हमारा 1.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है, 1.5 करोड़ का। अगर 10-20 लाख रुपए किसी गरीब को दे देते हैं हम, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, अब हमें अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा। अच्छा 10-20 लाख लेने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे नहीं अम्मी, 1.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड है, अमीरों वाली सोच रखे, अमीरों वाली सोच, ये गरीबों वाली सोच खत्म करे। हाँ कह तो तुम ठीक रहे, चलो चलो। बहादुर के अब्बा माफ कर दीजिएगा मुझे, मैं आपके दिए हुए जेवरात की हिफाजत नहीं कर सकी, आखिर अपनी जान भी तो बचानी है। अरे कहाँ रह गए बहादुर? ये ले मैं। अरे ये क्या उठा लिया? ये शाजिया का जोड़ा। तो शाजिया के जोड़े को क्या करना है? इसको भी दे देते ना, 10-12 लाख का तो ये होगा। अरे पागल, इसमें तो सोने के धागे का काम हुआ हुआ है। अरे अम्मी अभी समझाया ना आपको, गरीबों वाली सोच खत्म, अब अमीरों की तरह सोचना है, भी तो समझाया था। अरे बहादुर मरवा मत देना, ऐसा ना हो कि सब चीजें चले के चलता बने और हमें भी कुछ ना मिले। अरे अम्मी 1.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड है, 1.5 करोड़ का, अपनी जान का सबका समझ के दे दे। जान का सब, चले आ जाए आ जा। माफ कर दीजिएगा मुझे। बहुत आला, चाय बहुत अच्छी थी। The tea was fantastic, young girl. शुक्रिया। ये ले। सारे डाल दिया ना? हाँ, एक एक चीज निकाल के रख दी, और आपने जो चीजें नहीं कही थी वो भी बहादुर ने डाल दी इसमें। गुड, वेरी गुड, आई लाइक यू, रियली लाइक यू। थैंक यू। अबे ओ डेड हुशियार, यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट क्लेवर, हुशियार है तू? चल जे में जितने पैसे निकाल, चल। मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं। भाईजान जो कुछ भी निकाल के दे देना, क्या मसला आपको? अरे मेरे पास नहीं है पैसे यार। अरे गुड्डू दे देना पैसे जो भी है। ए गुड्डू, जो तुम्हें मैंने 40,000 दिए थे ना, दे दो वो। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। भाईजान नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा। That's like a good boy. It was pleasure meeting you. Very cooperative family. Very cooperative. Khandani log, khandani log. I will not disappoint you. I will sing a song for you. No, I am going. Remember me in your prayers. Things will be tough and the darkness will be grow. You are my family. I am your family. Remember me in your prayers. Get aside, please. Get aside. Side view. In my dreams, you remember me in prayer. There is lot of darkness, and I'm going with it. आपका कॉन्सर्ट कब है, बता तो जाओ। अरे अरे आजकल के डाकू ऐसे होते हैं क्या? अरे हम लोग 4 लोग थे, आराम से उसको पकड़ सकते थे, उसको ऐसे जाने दिया हमने। कैसे पकड़ सकते थे, उसके हाथ में बंदूक थी। अरे गुड्डू पागल हुआ है क्या, जान से बढ़ के कोई चीज होती है क्या? अरे आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, 1.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड खुला है, 1.5 करोड़ का, ऐसे डाकुओं के मुंह लगने की जरूरत थोड़ी है हमें। अरे कौन सा बॉन्ड खुला है हमारा? अरे गुड्डू देखो मेरा दिल मत दहलाओ, तुमने खुद तो हेल्पलाइन को फोन किया था और कहा था कि तुम्हें 1.5 करोड़ मिलने वाले। अरे आंटी मेरी बात हुई थी हेल्पलाइन पे, लेकिन उसने कहा कि आपको गलतफहमी हुई है, मुझे गलतफहमी हुई थी। ए गुड्डू ऐसा मजाक नहीं करना। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारा कोई प्राइस बॉन्ड नहीं निकला। अरे गुड्डू अल्लाह तेरा भला करे, हम तो लुट गए कहीं के नहीं रहे, सारा सोना सारे पैसे लेके चला गया वो। ओ मेरे 40,000 कैश, लाखों का सामान, सब इस गुड्डू की वजह से। गुड्डू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।